एकता कपूर के नए शो बेकाबू की शूटिंग शुरू हो चुकी है। सेट से आए दिन स्टार्स की वीडियोस और तस्वीरें भी खूब सामने आ रही हैं, जिसने जनता में शो को लेकर बस और ज्यादा तगड़ा कर दिया है। अब ये बात तो पहले ही जाहिर हो चुकी है कि शो मार्च में दस्तक देगा, लेकिन किस दिन आएगा शो का पहला एपिसोड, ये सवाल जनता के बीच में काफी उमड़ता दिखाई दिया। वही बात तो ये भी सामने आई कि बेकाबू एकता के ही शो नागिन 6 को रिप्लेस करने वाला है, लेकिन क्या वाकई ऐसा ही होने वाला है? तो आपको बता दें कि शालीन भनोट और ईशा सिंह स्टारर शो बेकाबू नागिन 6 को रिप्लेस नहीं करेगा, बल्कि ये शो अलग टाइम स्लॉट पर वीकेंड पर ही टेलीकास्ट किया जाएगा। जी हाँ, शो किस दिन और कितने बजे दस्तक देने वाला है, इस बात का हो चुका है खुलासा। खबरों की माने तो शो 18 मार्च से हर वीकेंड के मौके पर रात 9 बजे के टाइम स्लॉट पर टेलीकास्ट किया जाएगा, यानी कि रात 8 बजे नागिन 6 में शेष नागिन की दास्तान दिखेगी, तो 9 बजे राक्षस और परी की कहानी बेकाबू शो आएगा। यानी कि आने वाले वीकेंड पर 2 घंटों तक एकता के ही शो का भरपूर धमाल रहेगा। जाहिर तौर पर ये खबर नागिन 6 के फैंस के लिए बड़ी राहत देने वाली है, क्योंकि लंबे वक्त से ऐसी ही खबरें थी कि बेकाबू नागिन 6 को ही रिप्लेस करेगा, और जब शो के मार्च में ऑन एयर होने की बात सामने आई तो फैंस के बीच में इस बात को लेकर काफी ज्यादा खलबली मच गई थी कि क्या नागिन 6 अप्रैल नहीं मार्च में ऑफ एयर होगा। वेल, बात की जाए बेकाबू शो की तो इस शो की स्टारकास्ट को एकता कपूर ने काफी ग्रैंड रखा है। शिवांगी जोशी, जैनिमा, ईशा सिंह, शालीन भनो, मोनालिसा, चेतन हंसराज और अरिजीत तलेजा जैसे दमदार स्टार्स शो में अहम रोल निभाते नजर आएंगे। ऐसे में अब देखना तो ये है कि 18 मार्च को जब एकता कपूर का नया शो बेकाबू कलर्स टीवी पर दस्तक देगा तो क्या क्या धमाल मचेंगे, क्या क्या नई चीजें सामने आएंगी और किस तरह के बाकी के तमाम सुपरनेचुरल शो से ये शो अलग होगा।